हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज आप लोगों के बीच में मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। और इस वीडियो में आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आज जो पीसी बिल्ड किया है उस पीसी को बिल्ड करने में सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट का टाइम लगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस वीडियो में एक खास बात और है, असेंबल किया है वो मेरे छोटे भाई मन्नू ने किया है, जो कि 18 मिनट में एक बेहतरीन गेमिंग पीसी बिल्ड किया है केबल मैनेजमेंट के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया है उस कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, फिर उसके बाद हम असेंबलिंग देखते हैं कि कैसे 18 मिनट में एक जूनियर इंजीनियर ने इस पीसी को असेंबल किया, वो भी फुल केबल मैनेजमेंट के साथ और फुल गेमिंग लुक के साथ में। चलो दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इस पीसी को बनाने के लिए जो हम लोगों ने पार्ट्स यूज किया है उसमें सबसे पहले गीगाबाइट की मदरबोर्ड है, जिसका मॉडल नंबर है A320MA-M.2 मदरबोर्ड है। और इसके अंदर जो हम लोगों ने प्रोसेसर यूज किया है वो प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 1600, जिसकी बेस स्पीड जो है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक है, टर्बो बूस्ट 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। इसके अंदर जो कोर्स है वो 6 कोर है, 12 थ्रेड है। और इसमें जो हम लोगों ने हार्ड डिस्क यूज किया है वो WD हार्ड डिस्क है, 1 TB SATA 7200 RPM स्पीड। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो GeForce टेक्नोलॉजी का GTX 750 Ti 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें यूज किया है किंगस्टन की रैम है, किंगस्टन ब्रांड की HyperX 8GB DDR4 रैम है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें SSD डाला है, जो SSD है किंगस्टन ब्रांड की 240GB M.2 SSD। उसके बाद इसके अंदर जो हम लोगों ने पावर सप्लाई यूज किया है वो कूलर मास्टर की MWE550 SMPS है। और इसमें हम लोगों ने जो गेमिंग कैबिनेट यूज किया है वो नाकोर कंपनी की गेमिंग कैबिनेट है, जिसके अंदर डुअल RGB फैन है। तो दोस्तों, ये थी मेरी गेमिंग पीसी की कॉन्फ़िगरेशन। चलो आगे हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसको असेंबल करने में जो 18 मिनट का टाइम लगा है वो कैसे असेंबल किया है। मन्नू जो कि एक जूनियर इंजीनियर है, बहुत ही अच्छा इस पीसी को अभी डिजाइन करेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ये गेमिंग पीसी को बिल्ड करने में कैसे 18 मिनट का टाइम लगा और कितना फटाफट ये मशीन को, गेमिंग पीसी को मन्नू ने बिल्ड किया है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। Yeah.
यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.